السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حاضرین مجلس احباب گرامی اللہ رب العزت نے انسان کو کچھ ایسا بنایا ہے کہ کسی بھی کام کو سر انجام دینے کے لیے اس میں تین آپشن ہوتے ہیں، تین پہلو ہوتے ہیں، تین پوائنٹس ہوتے ہیں: علم الابدان، علم الاجسام، انسانی باڈی کو پڑھنے والے وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ کچھ لوگ بالکل لوہا مزاج ہوتے ہیں، کچھ پتھر مزاج ہوتے ہیں اور کچھ مکھن مزاج ہوتے ہیں۔ لوہے کو بہت زیادہ گرم کرنا پڑتا ہے پھر جا کے پگھلتا ہے، پتھر کو جتنا مرضی گرم کرتے رہیں ٹوٹتا ہے، انسانوں سے لاوا نہیں بن پاتا، اور مکھن کو تھوڑی سی بھی آنچ ملے تو وہ پگھلنا شروع کر دیتا ہے۔ انسان کا مزاج، طبیعت کچھ ایسی ہے۔ کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کا ایکشن فوری ہوتا ہے اور بڑی بے باکی سے ہوتا ہے، لا ابالی میں، لا پرواہی میں، انجام کیا ہوگا، اینڈ کیا ہوگی، انہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی، جو من میں آیا کر ڈالا۔ کچھ لوگ بڑے بزدل ہوتے ہیں، ساری زندگی
डर में खौफ में आखिरी हद तक पड़े रहते हैं कि ये मुझसे नहीं होना। कुछ लोगों का रास्ता दरमियानी होता है, बेबाकी और बुजदिली के दरमियान जो तीसरा वसफ है, इतदाल पे मबनी, अरबी में उसको हया कहते हैं। हया किसी भी काम को न बुजदिल बन के छोड़ा जाएगा, न बेबाक बन के किसी ऐसे तरीके से अदा किया जाए कि जिसमें शायस्तगी नहीं हो, मतानत नहीं हो, वकार नहीं हो, बल्कि किसी काम को करना है तो बावकार तरीके से, किसी चीज से बचना है तो भी बाशऊर होके पूरी मतानत और बेहतरीन वकार शराफत के साथ। तो ये वाली कैफियत हर बच्चे में, हर बुजुर्ग में, हर नौजवान में, मर्द औरत में होती है और अल्लाह ने रखी है। बस इसको पॉइंट को साफ करने की जरूरत होती है। हालात वाकयात या तो हमें बिल्कुल बेबाक बना देते हैं। कई घरों में आपने देखा होगा, सुना होगा, बच्चों की तरबियत ऐसी होती है कि जो कहता है कहने दो, जो बोलता है बोलने दो, इसको रोकिएगा मत, टोकिएगा मत, डिसहार्ट हो जाएगा। तो ये भी तरबियत के, मिजाज के, हकीकत के, शराफत के और हया के मुनाफी चीज है। और कुछ लोग सारी जिंदगी शर्माते हुए, घबराते हुए, तो ये जो आखिरी किस्म है हया की, ये मजमूम है, गलत है। कोई आपको कहे कि अजान दे दे और आप कहें मुझे शर्म आती है, तो ये शर्म नहीं चाहिए। कोई आदमी आपको कहे कि चले कलमा पढ़ के उसका तलफ्फुज़ सही कर लें और आप कहें नहीं मुझे हया आती है, लोग सुनेंगे क्या कहेंगे, उम्र के इस हिस्से में बाबा जी होके बड़ा होके, तो शर्माते रहना, घबराते रहना। अल्लाह के अहकाम को बजा लाने में, नवाही में रुकने से ना बंदा बिल्कुल मादर पिदर आजाद होना चाहिए कि पता ही नहीं कौन कह रहा है क्या कह रहा है, और ना बिल्कुल सेंसलेस हो जाना चाहिए कि नहीं जितना मर्जी कहते रहो, हांकते रहो, उस गाड़ी की तरह कि जिसमें तेल भी पूरा है, हर चीज पूरी है, मगर आप जितनी मर्जी रेस दें वो ले ही नहीं रही। तो ये भी गलत, और वो भी कि जिसका फ्यूल ओवर हो जाए और फिर साथ में जो है वो आपके कहे बगैर रेस ज्यादा पकड़ रही हो, तो वो भी नहीं। इतदाल जरूरी है, जहां भगाना हो भागे, जहां रोकना हो रुके, लेकिन वकार के साथ, मतानत के साथ। हजरत हया की एक बेहतरीन मिसाल आप अपने मुआशरे से लीजिए। ये दुनिया के हर शोबे में है। एक ड्राइवर, आप गाड़ी में बैठे हैं, अचानक गाड़ी को पैरों के नीचे से पैरों को घुमा के, फुल रेसें देके, चीखें निकलवा के चलता है और बैठी हुई सवारियां पीछे जाके, तो ये भी अच्छा नहीं है। और अगर ब्रेक लगानी है तो ऐसे लगाए कि आखिरी सीट वाला अगली सीट पे आके गिर जाए, तो ये भी मतानत नहीं है। बल्कि मतानत ये है, कंपनियों का कहना यह है कि हम अपना ड्राइवर उसे रखते हैं कि हमने सर्विसेज मुहैया की हुई हैं, गिलास में मशरूब है, हाथ में पकड़ा हुआ है और बंदे को खबर नहीं, लेकिन ब्रेक ऐसे लगे कि गिलास के अंदर से मशरूब छलक के बाहर नहीं आया। मतानत हो, वकार हो। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही हदीस है, कि लोगों, ईमान का जो पौधा अल्लाह किसी के मन में या दिल में उगाता है, ईमान अमन से है। और आप ये जानते हैं कि ईमान तीन चीजों का नाम है, तीन चीजों का। सबसे पहले इकरार का, इकरारुम बिल लिसानी, जुबान बोल के इकरार करे, व तस्दीकुम बिल जिनानी, दिल पूरे अपने मन से जो है वो तस्दीक कर रहा हो कि मैं जो बोल रहा हूं वैसे ही है। वल अमल बिल अरकान,
और आज़ा उसका फल नतीजा दें। आप बीज का नाम भी जानते हों, बीज को बो भी दें, बीज उगे भी सही, पत्ते भी निकलें, फूल भी निकलें, फल भी निकलें, आप भी फायदा उठाएं, दूसरों को भी फायदा हो, यह होता है ईमान। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं कि ईमान की 70 शाखें हैं, 70, और उनमें से एक अहम तरीन शाख जो है वो हया है। अभी जो हमने पढ़ा वो मज़मूम हया है, जो हक की अदायगी से मना करे या किसी मना करदा चीज से रुकने से बेबाक हो जाए, तो ये दोनों वैरायटियां मज़मूम है। एक हया है दरमियान में एतदाल वाली, वो क्या है कि मुझे कुछ भी जो करना है अच्छे तरीके से करना है, उसमें हुसन पैदा करना है, वो मेरी दुनिया हो या आखरत हो, देखने वाले की आंख को भी अच्छा लगे, सुनने वाले के कान को अच्छा लगे, महसूस करने वाले के शऊर को अच्छा लगे और मेरे रब्बे गफूर को अच्छा लगे, उसकी नजरों में यह काम बुरा नहीं हो। इसे कहते हैं, इस हया की तारीफ हदीस जिब्राइल में एहसान से की गई है, अंतबुद रब्बा का अन्ना का तरा, तेरी जिंदगी में बंदगी का एक एक कदम, एक एक हरकत, एक एक अदा, एक एक लहजा, एक एक पल, हर आन तेरी कैफ, तेरी कैफियत, तेरा शऊर, मुआमलात का जहूर, तेरे अफआल हरकात सकनात, अंतबुद रब्बा का अन्ना का तरा, तेरी हालत यह होनी चाहिए कि तू अपने रब को सामने देख के कर रहा है, देख के कर रहा है। मैं जो हजरत लाइसेंस लेने के लिए जाते हैं तो पूछता हूं कि आपका वो जो टेस्ट था उसके बारे में आप कितने मोहतात थे, कितने कॉन्शियस थे, तो जवाब आता है, जनाब बड़ी फिक्र थी कि सामने हमें देख रहे हैं, हम उनको देख रहे हैं, बैठते ही पहले बेल्ट लगानी है, बेल्ट नहीं लगी तो फारिग कर दिया जाएगा, स्टार्ट कैसे लेना है इस पे नजर है, मोड़ कैसे काटने इस पे नजर है, बैक कैसे करना है इस पे भी नजर है, और यह भी है कि मैंने दोनों साइड मिरर से देख के बैक करनी है, पीछे गर्दन घुमा के नहीं। दुनिया में तो इस टेस्ट में कामयाब होने के लिए सारे उसूल, सारे रमूज, सारे इशारे, सारे किनाए, साइन बोर्ड, एक एक की समझो ना हो तो फेल कर दिया जाऊं। इंसान होने के नाते जिसने जिंदगी दी है उसने बंदगी को गुजारने के लिए एहसान का रुतबा और मुकाम दिया है। जिब्रील अमीन पूछते हैं, महबूब मल एहसान, ये बंदगी का हुसन क्या है, हया की रिदा क्या है, इंसान का जेवर क्या है, जिंदगी बंदगी से सरशार कैसे होती है, इंसान की इज्जत वैल्यू कदर, अल्लाह के यहां उसकी शक्ल सूरत और सीरत हुसन के रुतबे पे कब पहुंचती है। जवाब आया, अंतअबुद रब्बका कअन्नका तरा, आप सब में भी हैं तो अल्लाह का लिहाज, जलवत में हैं तो अल्लाह की हया, तन्हाई में हैं, खलवत में हैं तो अल्लाह की हया, अल्लाह की हया। और ये हया बचपन से हमारे अंदर पलती, हम जब पैदा हुए थे तो नंगे थे, छोटे बच्चे को कपड़ा पहनते हुए अगर वो नंगा घूम रहा है तो बड़े शेम शेम कह रहे होते हैं, बच्चे को भी फील होता है। आप उसको मखसूस लिबास से जिसका आदि बनाया है हटा के अगर चलाएंगे बाहर भेजेंगे तो घबराएगा, हत्ता के लोग जूता पहने बगैर भी चलने से शर्माते हैं कि पांव नंगे हैं। तो ये आपके लिबास का हिस्सा है, और दुनिया में सबसे बेहतरीन लिबास और जाद व जाद तकवा है। तो आज की इस मुलाकात में
हम इसी पहलू को पढ़ना चाहते हैं और इसका मुतजाद वो फाहिशा होता है। फहाशी अगर तन्हाई में हो तो फिस्क होगा, छुप के कोई करना, ये समझना कि कुंडियां लगी हुई हैं, दरवाजे बंद हैं, कैमरे ऑफ हैं, कोई देख नहीं रहा, घर में कोई है नहीं, रात है, अंधेरा है, ये जो जुर्म, गुनाह, नाफरमानी, मना करदा चीज का इर्तिकाब, मुहर्रमात की कुर्बत, ये उस वक्त तक बंदा कर ही नहीं सकता जब तक उसकी हया का पर्दा ना फट गया हो। हया का पर्दा, ये एक बड़ा बारीक पर्दा है खालिक और मखलूक के दरमियान, रब और बंदे के दरमियान। कहते हैं कि किसी की असल देखनी हो तो उसकी तन्हाई देखिए। जलवतों में तो सभी अच्छे हो ही जाते हैं, खलवत कैसी है ये आपका मीटर है हया का, कि आपकी जुबान, लबो लहजा, अंदाज, गुफ्तगू, ढाल चाल ये कैसी है। तो हदीसे पाक इसको एहसान का नाम दे रही है, एहसान हुसन से। इसके दो दर्जे हैं, पहला दर्जा कि रब को सामने लाइव देख रहा हूं और मुझे यह नहीं करना, यह करना है, और दूसरा दर्जा कि मैं नहीं देख रहा तो अल्लाह तो देख रहा है और उसके हिडन कैमरे किरामन कातिबीन मुझे सारा जानते हैं। तो इस इनफियाली कैफियत को और घुटन को कि जो कुछ गलत करने से घबराहट होती हो दिल को, यह मकसूद हया है, महबूब हया है, महमूद हया है, और यह चाहिए, इसकी डिमांड की गई है, इसी को परवान चढ़ाया गया है। और रसूल करीम अलैहि सलातो वस्सलाम की जाती सीरत के बारे में ये जुमले आइम्मा मुहद्दिसीन ने सही सनद से नकल की है कि मेरे महबूब के यारों ने दुनिया में सबसे बेहतरीन तबसरा शौहर के बारे में, बीवी का, वालिदैन के बारे में, बच्चों का, उस्ताज के बारे में शागिर्दों का, यार के बारे में यारों का, और पीर के बारे में मुरीदों का होता है। जो अंदर की खबरें रखते हैं उन्होंने बताया कि हमने मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बापर्दा कंवारी किसी भी बच्ची से ज्यादा हया वाला देखा है। हम उस पैगंबर की उम्मती हैं, हमने उनका कलमा पढ़ा है, हम उनको फॉलो करते हैं। बापर्दा कंवारी, एक वक्त था कि कंवारी बच्ची कोई मेहंदी लगाए, लिपस्टिक लगाए या बेपर्दा घूमे, तसव्वुर ही नहीं था, बच्ची कंवारी है, कुछ गलत करे, हत्ता के अगर उससे बहन भाई, वालिदैन, रिश्तेदार मिलके उसकी मुस्तकबिल का फैसला करते हुए उससे इजाजत भी ले रहे हों तो वो तब भी शर्मो हया की मारी बोलती नहीं थी, और उसकी खामोशी को महबूब ने कहा कि इज़्ज़त है, इस कदर हया कि उसे बुलाने पे मजबूर नहीं करो। बच्चियां हयादार होती हैं, ऐसे बोल नहीं बोल पाती, नहीं कह पाती, अगर वो चुप भी रह जाए तो यह भी उसका इज़्ज़त है, इज़्नुहा सिमातुहा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे और आपके पीर, बैत लेते हुए भी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर बा हया, बा वकार, मतानत वाले, इज्जत वाले, आबरू वाले, नामूस वाले, पैकरे हया, हया की रिदा में मलबूस, हया के जेवर से मेरे महबूब इस कदर सजे हुए कि आपने जिंदगी में किसी गैर महरम औरत को टच नहीं किया, ना सर पर प्यार देते हुए, ना हाथ बढ़ा के बैत लेते हुए, ना दम करते हुए, ना किसी और मौके पे, मुझे नहीं मिला, किसी को मिले तो बताए जरूर। बाहया, बावकार, साहिब मतानत, साहिब शऊर, ये मेरे और आपके महबूब की सीरत तैयबा के बारे में बीवियों का बयान है,
साथियों का बयान है और जो आपके ऊपर नजर रखते थे उनका बयान है। अब आते हैं कुरान मजीद का भी एक फैसला सुन लें और आयत का थोड़ा सा मुताला हो जाए। अल्लाह ताला फरमाते हैं, हां आयत पढ़ने से पहले यह जहन में रखिए, छुप के अगर रब और बंदे के माबैन पर्दों को फाड़ दिया जाए और बंदा समझे कि रब नहीं देख रहा, समझ लिए इसने पर्दे फाड़ दिए। अल्लाह का एक वसफ है मशहूर है सत्तार, अल्लाह का यह नाम कुरान और सुन्नत से साबित नहीं है। सित्तीर लफज, सित्तीर माना वही है लेकिन लफज रब के नाम हुसन वाले हैं। रब ने अपने नाम खुद रखे हैं और अल्लाह ने जो अपने नाम खुद बयान किए हैं उन्हीं नामों से बयान करना ही जरूरी है, मर्जी से नाम नहीं रखे जाएंगे। दुनिया खुदा बोलती है, मैं परहेज करता हूं कि ये हमारा रखा हुआ नाम है, कोई राम कहता है, कोई विष्णु कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई देवता बोलता है, कोई दाता कहता है, नहीं। हम अल्लाह के नामों में से वो नाम ही लेना मुनासिब समझते हैं जो रब ने बयान किए हैं। सित्तीर, तुम्हारा रब पर्देदार है, पर्दे रखता है, पर्दे में है। और पिछले जुमे में हमने पढ़ा था कि अल्लाह को अच्छा लगता है कि बंदा अपने पर्दे भी रखे, दूसरों के पर्दे भी रखे। और जो किसी मुसलमान की पर्दादारी करेगा इस हया के बदले में कल कयामत के दिन अल्लाह उसके पर्दे रखेगा, दुनिया में भी उसके पर्दे रखेगा। यह हमने पिछली मुलाकात में रसूल सल्लम का फरमान पढ़ा था, अगर बंदा तन्हाई में अपने और रब के माबैन पर्दे अपने हाथों से फाड़ता है, किसी को खबर नहीं होने देता और भूल जाता है कि मेरा रब देख रहा है, तो यह बंदा नमाजी भी हो सकता है, हाजी भी हो सकता है, गाजी भी हो सकता है, मुजाहिद भी हो सकता है, मुनफिक भी हो सकता है, सखी भी हो सकता है, कायम भी हो सकता है, साइम भी हो सकता है, आबिद और जाहिद भी हो सकता है। लेकिन खलवत में जाके जब यह पर्दे फाश करता है, चाक करता है, तो इसे फासिक कहते हैं। हसी सांप के नक्शो निगार खूब सही, लेकिन निगाह जहर पे रख खुशनुमा बदन न देख। सांप बजाहिर तो बहुत हसीन है, जहर छुपा हुआ है। इसकी नेकियां, इसका जाहिर बड़ा अच्छा उजला है, मन तन धन लिबास वजा कता बहुत अच्छा है, लेकिन इसकी तन्हाई का पर्दा रब और बंदे के दरमियान कायम नहीं रहा, तो ये फासिक है। छुप के, फिसक कहते हैं छुपी हुई चीज, फासिक है। और अगर गुनाह एलानिया करता है, सामने करता है, घबराता नहीं है, शर्माता नहीं है, हल्ला गुल्ला करता है, यावागोई करता है, आवारगी करता है, फहाशी पे उतर आता है, दावत देता है, बगावत करता है, मां बाप बहन भाई बड़े छोटे किसी कौम बिरादरी मुआशरे सोसाइटी समाज का इसे पास और लिहाज नहीं है, तो इसे फाजिर कहते हैं। फजर तुलू होती है, जैसे सब कुछ नजर आने लग जाता है, तो इस बंदे का गुनाह, जुर्म, ज़ियादती, बगावत, नाफरमानी ये वाजे हो जाती है, तो ये फाजिर है। हमें चेक करना होगा कि हम किस कैटेगरी में हैं। अब किताबुल्लाह का मुताला कीजिए। एक तीसरी पार्टी है, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशी अल्फाहिशा, जुर्म छुपके हो तो फिस्क, एलानिया हो तो फजूर, और अगर इसका ऐलान और दावत, इश्तेहार, इशाअत, फैलाओ, मशहूरी, और इसको आम किया जाए या इसको मुजयन करके पेश किया जाए, दुनिया के बदकार को फनकार कहा जाए, गुलूकार कहा जाए, महपारा बोला जाए, फनकारा बोला जाए, कोई खूबसूरत से खूबसूरत नाम रख दिया जाए, शराब का नाम, पेशाब का नाम, दूध रख दिया जाए, वो नहीं होगा, ये फहाशी होगी। और अल्लाह फरमाते हैं, ये सूरतुन नूर है, सूरतुन नूर। मैं ये समझता हूं दुनिया में वो बेटी पैदा नहीं हुई जिसने सूरतुन नूर तर्जमे से नहीं पढ़ी, भले वो अपने घर में बूढ़ी होकर नानी अम्मा बन के क्यों नहीं बैठी।
जिसने सूरत निसा नहीं पढ़ी, जिसने सूरत बकरा नहीं पढ़ी, उसने जाना ही नहीं कि मेरे मालिक ने मुझे किस लिए भेजा है। और अगर मर्दों ने यह नहीं पढ़ी तो फिर याद रखिए उन्हें पता ही नहीं कि अय्याशी क्या होती है, फहाशी क्या होती है, बचना कैसे है, फिसक क्या है, फजूर क्या है, जुल्म क्या है, ज्यादती क्या है, निकाह क्या है, तलाक क्या है, इंसान क्या है, इंसानियत क्या है, मर्द क्या है, औरत क्या है, दायरा कार क्या है, जिम्मेदारियां क्या है। तो जिसने कुरान नहीं पढ़ा है वो पैदा नहीं हुआ। अर्रहमान अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान, तेरा रहमान तो रहमान है लेकिन तू कुरान जब पढ़ेगा तब पैदा होगा, उससे पहले समझ बस उगा ही है, आया ही है। जैसे दुनिया कहती है कि जिन लाहौर नहीं देखा वो जमया नहीं, अगरचे पैदा बहुत पहले हो गया था लेकिन जब आप लाहौर गए हैं देखा है तो तब पैदा हुए हैं। वो तो किसी आम आदमी का मकूला था, ये कुरान का कौल है, रहमान का कौल है। इन्नल्लज़ीन युहिब्बून अन तशी अल्फाहिशतु फिल्लज़ीन आमनू, बुरा तो बुरा होता ही है, आवारा तो आवारा होता ही है। कोशिश ये की जाती है कि जो अमन में है, जो बचा हुआ है, जो सेफ्टी में है, जो पुरसकून है, जो दूर है, जो गुनाह नहीं करना चाहता, जो जुर्म की दुनिया में नहीं आना चाहता, जो इस दलदल में खुद को नहीं धसाना चाहता, जो नहीं फंसना चाहता, उनको जो है घेरा जाए, डोरे डाले जाएं, निकाला जाए, बेबाक किया जाए, आवारा किया जाए, साथ मिलाया जाए, और जुर्म की दुनिया का जो है वो एक बशिंदा बनाया जाए। फिल्लदीन आमनू लहुम अजाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरा, अल्लाह फरमाते हैं ऐसे बदनसीबों के लिए दुनिया में भी अजाब है, वल आखिरा और आखरत में भी अजाब है। वल्लाहु यालमु, अल्लाह जानता है, व अंतुम ला तालमून, तुम्हें इलम नहीं है कि वो अजाब क्या है, फहाशी के नताइज क्या हैं। अब अगला दरमियान में एक जुमला अल्लाह की तरफ से फजल का सुनिए, वलौला फजलुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु, ओ मेरे बंदो, जुर्म की दुनिया में इमाम बन के कूदने वालों, अपनी बेबाकियों का इजहार और बगावतों पे शर्मिंदा ना होने वालों, वलौला फजलुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु, अगर मेरा फजल और मेरी रहमत, मेरा करम, मेरी इनायत वो ना हो तो पता है क्या है, तुम फौरी उसी स्पॉट पे, उसी नुक्ते पे, उसी पॉइंट पे, उसी जगह पे अगर मैं पकड़ना शुरू कर दूं, जुर्म करते हुए उठते हुए कदम पे फालज डाल के रोक दूं, बढ़ते हुए हाथ को शल कर दूं, देखती हुई आंख की बिनाई छीन लूं, सुनते हुए कान की समात छीन के बहरा कर दूं, और धड़कते दिल की धड़कने हमेशा के लिए बंद कर दूं, आप क्या समझते हो, बोलती हुई जुबान को फालिज ज़दा करके अल्फाज की कुव्वत छीन लूं, कुव्वत गोयाई छीन लूं, तुम क्या कर लोगे? ये मेरा फजल है, ये मेरी रहमत है, मैं मौके देता हूं, मैं चांस देता हूं, मैं ढील देता हूं। तुम समझते हो कि कुछ नहीं हुआ तो चलो कुछ नहीं हुआ, और मैं तुम्हें मैसेज दे रहा हूं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। इसके बाद जो है अन्नल्लाह रऊफुर रहीम, अल्लाह ताला ने फिर भी नरमी दिखाई है, गुनाह से निकला, गिर जाना बड़ी बात नहीं, गड़ू में पड़ा रहना जुर्म है, गलती हो जाना बुरी बात नहीं, गलती पे गलती करके बेबाकी और इसरार और जिद पे उतर आना गलत है। मैं रऊफ हूं, मैं नरम हूं, मैं रहीम हूं, और रहीम का बात याद रख, दुनिया में रऊफ हूं, माफ कर दूंगा, अगर इसी हालत में मौत आ गई, बदले तुम्हें दुनिया में भी देने पड़ेंगे, तेरी असल नस्ल फसल को भुगतने पड़ेंगे, तेरी जात, तेरे वजूद, तेरी रूह को भुगतने पड़ेंगे, और कयामत के दिन भी मैं अजाब अलीम और दर्दनाक अजाब से दो चार करके रुसवा करूंगा, और उसकी भी डिटेल आ रही है। लेकिन मैं रहीम हूं ये नहीं है कि अच्छे और बुरे दोनों को बराबर कर दूं, अफा नजअलुल मुस्लिमीन कल मुजरमीन, रहीम का ताल्लुक अल्लाह की आखरत की रहमत से है, उसी पर होगा जिसने रब के हुक्म को माना होगा, अल्लाह की हया रखी होगी, जिसने रब की हया नहीं रखी उसके लिए वही उसूल है, जा उन्हीं के पास जाकर गुजार खिजा अपनी, जिन्होंने लूटे तेरी बहारों के मजे। जब तुझको तमन्ना मेरी थी, मुझको तमन्ना तेरी थी, जब तुझको तमन्ना गैर की हुई, जा तेरी तमन्ना कौन करे। वल जजाउ मिन जिन्सिल अमल, जैसी करनी वैसी भरनी, अदले का बदला,
آئیے اب اللہ رؤوف ہونے کے ناطے کیا کہتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا مومنو مومنو. آواز اللہ نے دی ہے, اللہ مجھے کہتے ہیں تو مومن ہے, مومن ہونے کا دعویٰ کرتا ہے, میں کہتا ہوں میں مومن ہوں, میرا ہمسایہ کہتا ہے نہیں یہ کافر ہے. میرا ہمسایہ دعویٰ کرتا ہے میں مومن ہوں, میں کہتا ہوں نہیں یہ پکا کافر ہے. یہی ہماری ہے نا آج کل سوسائٹی, ہر مسلک دوسرے مسلک کے نزدیک کہیں نہ کہیں گستاخ اور کافر ہے. لوگوں کو چھوڑیے, آپ خود کو تو کچھ مانتے ہیں کہ نہیں, خود کو تو کچھ مانتے ہیں کہ نہیں, کیا مانتے ہیں؟ کلمہ پڑھ کے مسلمان مومن. لوگوں کو چھوڑیے کیا کہتے ہیں, آپ تو مومن ہیں نا, اللہ کی آواز سنی, اللہ کہتے ہیں مومنوں لا تتبعوا خطوات الشیطان, شیطان کے رحمت سے دور کیے ہوئے, دھتکارے ہوئے, پھٹکارے ہوئے, لعین, برے اور غلط. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہمیں بابا کہیں پت کباڑ چو جا کے سائیکل نہیں لانی, کوئی کھٹارا گاڑی نہیں لے لینی. میں آپ کو جو دے رہا ہوں بالکل زیرو میٹر, جینون اصلی کمپنی کی شایان شان چیز مل رہی ہے, تو پھر تم گھٹیا کی طرف کیوں جا رہے ہو؟ اتستبدلون الذی ہو ادنا, اتستبدلون الذی ہو ادنا بالذی ہو خیر. اوے اچھے کو چھوڑ کے برے پہ گر رہے ہو, پھول چھوڑ کے اگر گندگی پہ بیٹھتے ہو تو اپنی نفسیات پڑھو, فطرت کو پڑھو, کہیں گندی مکھی تو نہیں ہو. ہیں دونوں ہی مکھیاں, ایک پھولوں پہ بیٹھ کے شہد بناتی ہے, دوسری گندگی اور زخم پہ بیٹھ کے اس کو مزید خراب کرتی ہے. ایمان والو, رحمان کی باتیں مانو, شیطان کے پیچھے مت چلو, شیطان والے سٹیپ مت لو. تو یہ جتنے ہمارے سٹیپ ہیں ہماری بیٹیوں کے, ہمارے بیٹوں کے, ہمارے بزرگوں کے, یہ ہماری سیٹیاں, یہ ہماری آوازیں, یہ ہمارے ماشاءاللہ لطیفے, یہ قصے, یہ کہانیاں, یہ یاوا گوئی, یہ فضول گوئی, یہ ہماری جگتیں, یہ بے باکیاں, اور ہماری جو ہے یہ بھونڈیاں, اور معلوم 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 نہیں, پتہ نہیں کیا کیا ٹائٹل دے رکھے ہیں قوم نے, اور وہ سب ہم میں ہیں, اچھے لگتے ہیں. خطوات الشیطان, یہ مردود ہیں, یہ رد کیے ہوئے ہیں, یہ دھتکارے پھٹکارے ہوئے ہیں, ان کے اوپر لعنت ہے. رحمان کی بھی, فرشتوں کی بھی, انبیاء کی بھی, صدیقین کی بھی, شہداء کی بھی, انسانوں کی بھی, جن جنات کی بھی. تو یہ لعنتوں والے کام نہیں کرو. وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ, اور یہ بھی سن لو, جس نے یہ کام کیا, فَإِنَّهُ يَعْمُرُ بِالْفَحْشَاء, یہ ممبر پہ کھڑا ہو کے بھی کرے تو یہ فحاشی کی دعوت دے رہا ہے, یہ مسجد میں کرے تو فحاشی کی دعوت, مدرسے میں کرے تو فحاشی, یہ سب کے سامنے بازار میں کرے تو فحاشی, یہ داڑھی رکھ کے کرے تو فحاشی, یہ کلین شیو ہو کے کرے تو فحاشی, یہ شادی شدہ ہو کے کرے تو فحاشی, یہ کنواری ہو کے کرے تو فحاشی, یہ بچپن میں کرے تو فحاشی, جوانی میں کرے تو فحاشی, عمر کے کسی بھی حصے میں کرے, مالدار ہو کے, معزز ہو کے, اور عزیز مصر ہو کے, عزیز شہر ہو کے, حاکم وقت ہو کے, عوام ہو کے, جو بھی کرے گا یہ فاحش انسان ہے. والمنکر, یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اتنے لاکھوں ملینوں ویوز مل رہے ہیں, لوگ مجھے ماشاءاللہ کلک کر کے دل کے نشان بنا کے اور یوں تھم دے کے کوئس کہہ کے زبردست بول کے واہ واہ کر کے داد دے کے اتنے میرے فالوورز بن گئے. اللہ کہتے ہیں ہم نے لانتے ڈال کے, پھٹکارے ڈال کے سب کو کہہ دیا کہ ریجیکٹڈ ہے, کراس ہے, منکر منکر منکر, نکیر سنا ہوگا, انکار. دنیا تجھے اقرار کر رہی ہے بڑا ہیرو ہے, بڑا آرٹسٹ ہے, بڑا فنکار ہے, بڑا زبردست ماڈل ہے, کیا کہنے جناب, سپر اسٹار ہے. اللہ کہتے ہیں میرا انکار ہے. المنکر, ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ, اللہ پھر دوبارہ کوئی ولولا فضل اللہ, ولولا فضل اللہ, بہت جے تو ہیلمٹ نہ پایا ہوں جی میں ڈگا تیرا سر پاٹ جانا سی,
ये अल्लाह की रहमत ने घेरा हुआ ना होता और अल्लाह ने अपनी नरमी के साये ना रखे होते और अपना फजल ना किया होता, मा जका मिनकुम मिन अहदिन अबदा, शैतान के वार इतने गहरे चारों तरफ से 360 जावियों से, इतने खौफनाक, इतने खतरनाक, इतने छुप छुप के हैं, मुजयन करके, हसी करके, सजा करके, सज धज करके कि तुम में से कोई बच ना सकता। वलाकिन अल्लाह युज़क्की मन यशा, ये मेरा फजल समझो कि मैं तुम्हें झाड़ रहा हूं। मैंने कई दफा देखा है हम दीवार के साथ बैठते हैं तो कलर कपड़े पीछे ना व्हाइट वॉश जो होती है कच्ची होती है वो लग जाती है, बड़े सारे लोग हमें बताते नहीं, कहते ठीक है लगी है पे पता लगू है ना। कुछ मिजाज ऐसे भी होते हैं वो हमें नहीं बताते, ये वाला हिस्सा जो ऊपर है तो ठीक है, अगर कहीं मूंछू पे आ जाए तो कई सारे लोग बताते नहीं ठीक है जिथे लगा ठीक है कोई गल नहीं, ओदी मोछो दा माल है। खाते हुए कहीं दाढ़ी में लग गया है, हाथों में लग गया है, कुछ गलत हो गया है, लोग नहीं बताते। अल्लाह ऐसा गफूर रहीम है जो लोगों को नजर नहीं आता अल्लाह वो भी बताते हैं। कहा ये शैतान तुम्हें नजर नहीं आ रहा लेकिन मैं देख रहा हूं कि ये तुम्हारा दुश्मन है, इसने तुम्हारे मां बाप को नंगा किया था, रुसवा किया था, जन्नत से निकाला था, ये जलील है, खुद परेशान करता है, तुम्हारे बड़ों के पीछे चढ़ा रहा लगा रहा। या बनी आदम, ओए आदम के बच्चों अपने बाप को देख लो, मां को देख लो, इसने क्या किया, नंगा करके जन्नत से निकलवाया, ये कपड़े उतारता है, ये खींचता है, ये कैंचियां देता है, ये कटवाता है, ये फैशन देता है, ये ऑर्डर दिलवाता है, ये सब कुछ कर रहा है। अगर मैं तुम्हें बचाने की फिक्र नहीं करूं तो कौन, वाला किन्नल्लाह युज़क्की मन यशा। और कुछ दोस्त ऐसे होते हैं कह देते हैं यार पीछे ना कुछ लगा जरा दो मिनट रुकी और झाड़ देते हैं, ये उनकी मोहब्बत होती है, रशक आता है ऐसे दोस्तों पर। अल्लाह से दोस्ती करो, अल्लाह शैतान के शिकंजू से भी बचाता है, ऐसे ही तो नहीं वो जन्नत के सारे दरवाजे खोल देता रमज़ान में, वो ऐसे तो नहीं कहता चलो रमज़ान नहीं है, वो तो मौसम है ना, सीज़न है, स्ट्रॉबेरी सीजन में तो मिलती अच्छी लगती है, मिल्क शेक दोस्त पिला देते हैं, मज़ा तब है किसी ने संभाल के रखी हो और सिर्फ तेरे लिए रखी हो, और ये कहो तू जब भी आएगा तुझे मिल्क शेक स्ट्रॉबेरी वाला पिलाया जाएगा। अल्लाह कहता है तू मेरे बंदे जब मर्जी वजू कर, जहां कर, पहाड़ पे कर, गार में कर, सहरा में कर, दरिया के किनारे कर, किसी जजीरे में कर, ऑफिस दुकान में कर, बाजार में कर, मेरे घर में आके वुजू कर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मेरी वहदानियत की गवाही दे दे, शैतान को जरा धुतकार दे, मेरे महबूब को महबूब मान के अकीदा रिसालत को दिलो जान से कबूल कर ले, मैं जन्नत को ऑर्डर देता हूं, उसी वक्त आठों दर खुलते हैं, तो दिन में हजार बार वुजू कर, मैं हजार बार जन्नत के बूहे खुलवा दूंगा, मैं तो तुझे पाक साफ करके लाड़ा बना के जन्नतों में हूरों का शहजादा बना के ले जाना चाहता हूं। वल्लाहु समीउन अलीम, लेकिन तू जो बोलता है मैं वो भी सुनता हूं, जो तू करता है मैं जानता हूं। हजरत इन आयतों के मुताले के बाद थोड़ा तशरीफ लाइए, अपने आप को, अपनी सोसाइटी को देखिए, हया की कहां जरूरत थी कहां नहीं रहा। सबसे पहली हया की जरूरत हमारे जिस्म को है फिर रूह को है, कुछ ने इसके उलट लिखा है कि पहले रूह को है फिर जिस्म को है। चले इस कॉल पे आ जाएं, तीसरा कॉल है कि दोनों को बयक वक्त बराबर जरूरत है, और मेरी तरजीह उन्हीं लोगों के साथ है जो ये कहते हैं कि रूह पहले, क्योंकि रूह अकीदे से जुड़ी होती है। सबसे पहले नजरिए को जरूरत है कि नजरिया बा हया हो, जब नजरिए में हया होगा तौहीद होगी तो शिरक की फहाशी नहीं आएगी, जब नजरिए में अकीदा मोहब्बत इताते रसूल होगा तो कभी भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी नहीं होगी, जब मेरे नजरिए में बड़े की कदर होगी, और महबूब ने पहले नजरिया ही बनाया, फरमाया मल्लम यरहम सगीराना वलम युअक्किर कबीराना, जो बुजुर्ग बच्चों से प्यार नहीं करता हया छोड़ चुका है, बुजुर्गी का हया यह है कि छोटों से प्यार किया जाए, और जो छोटा बड़ों के साथ इज्जत से पेश नहीं आता इसकी जवानी, इसका बचपन जो है वो बेवकार बेहया हो गया है, क्योंकि छोटों को बड़ों की हया करनी, इज्जत करनी, वकार देना ये जिम्मेदारी है, बड़े छोटों को प्यार दें। पहले नजरिया बनाया, पहले नजरिया बनाया, फिर मेरे महबूब ने मिंबर छोड़ के
چھوٹوں سے پیار کر کے خطبہ جمعہ کے دوران دکھایا، پہلے نظریہ بنایا پھر پریکٹیکل کروایا۔ تو آئیے مائیں بہنیں بیٹیاں پوری ورلڈ، اس وقت جتنے چینلز چل رہے ہیں وہ سب سے پہلے آپ کا نظریہ بدل رہے ہیں کہ آپ فحاشی کو عام کریں، عیاشی کو عام کریں، جو من میں آؤ کھاؤ، جو من میں آئے پیو، کوئی حلال نہیں کوئی حرام نہیں، جائز ناجائز کے چکر چھوڑو، جہاں من کرے ملو، جہاں جاؤ کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی بریک نہیں، بے باک ہو جاؤ، نڈر ہو جاؤ۔ اور اس نام سے صدیوں سے ڈرامے چلتے آ رہے ہیں، بے باکیاں، آزادیاں، کھلی چھوٹ۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے نظریہ مضبوط بنا، کام اچھا ہے تو کرنے سے شرم نہ کر، پیش کر، پیشکش دے متانت سے۔ مثال لیجئے، آپ نماز سے لیٹ ہو گئے، حیا ہی ہے جو دنیا کا ہر اچھا کام کروائے گا، اور حیا ہی ہے جو آپ کو ہر برے کام سے روکے گا۔ مجھے یہ فکر لگی ہوتی ہے کہ جمعہ ہے، جمعہ ہے، جمعہ ہے، جمعہ ہے، پہنچنا ہے، نہلانا ہے، نہانا ہے، تیاری کرنی ہے، کروانا ہے، پہنچنا ہے۔ یہ اللہ کی حیا اور مصطفیٰ کے کلام کی حیا ہے، وگرنہ اس سے بڑی ساری بظاہر اچھی مجلسیں اور جگہ بھی ہوتی ہیں، تبھی تو آپ آ پاتے ہیں۔ جمعہ بازار کو کراس کرنا آسان ہے، جمعہ بازار میں آباد، جمعہ بازار کو چھوڑ کے مسجد میں آ کے مسجد کو آباد کرنا، کیا حیا نہیں اس جملے کی آیت کی، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ یہ ان جملوں کی حیا ہے کہ جب اذان ہو جائے سارے کام کاج چھوڑ کے آ جائیے میرے گھر میں، آ جائیے، میرا بلاوا ہے، میرا صدا ہے۔ یہ ہے حیا۔ تو کیا کرنا ہے؟ اپنے اندر نظریے کی حیا پیدا کی گئی۔ میرے اور آپ کے محبوب نے ہر وہ چیز سکھا دی جو آپ کو نیکی پہ ابھارے اور برائی سے شرم دلائے کہ نہیں کرنا، اور شرم دلائے کہ یہ کرنا تھا تو نے کیوں نہیں کیا، حل فعلت، لولا فعلت، اور یہ کہے لما فعلت، یہ کیوں کیا ہے، وائے۔ یہ ہے حیا۔ چادر پھٹ جائے تو سی جاتی ہے، یہ حیا اگر پھٹ جائے تو اس کو بھی جوڑنا پڑتا ہے۔ آئیے جوڑیے، اللہ کرے سلامت ہو یہ رضا سب کی۔ لیکن ہم اپنے ضمیر سے اپنے آپ کو بہتر جانتے ہیں، میں فتوے لگاتا پھروں کہ وہ بڑا بے حیا ہے، میں بڑا با حیا ہوں، یہ ایک تیری میری سوچ ہے۔ اصل عادل، عدالت، حاکم، قاضی، جج ادھر کوئی فیصلہ کرنے والا ہے۔ فاستفت قلبک، اس معاملے میں اپنے دل کو، اپنی تنہائی کو پوچھنا اور رب سے تعلق کو پوچھنا۔ میں یہاں ایک حیا کی مثال دے کے آگے بڑھتا ہوں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت شرمیلے تھے، بہت باحیا تھے۔ میرے پیمبر کی دو بیٹیاں ان کے گھر میں، آپ نا تھوڑا سا بڑے، سیدنا ابوبکر صدیق، حضرت عمر اور حضرت علی کے ساتھ بے تکلف ہو کے بھی رہ لیتے تھے، حالانکہ بیٹی علی کے گھر بھی تھی، اور دو بیٹیاں جناب عمر کی اور ابوبکر کی آپ کے گھر بھی تھی۔ ادھر آپ سسر ہیں، ادھر آپ داماد ہیں، لیکن پھر بھی بے تکلف تھے، ریلیکس ہو کے لیٹ بھی جاتے تھے، کوئی پنڈلی سے کپڑا آگے پیچھے بھی ہو گیا تو کوئی نہیں۔ لیکن یہ آسمان نے دیکھا، زمین نے دیکھا، آسمان کے ستاروں نے، زمین کے میرے محبوب کے یاروں اور پیاروں نے دیکھا، جب عثمان آیا ہے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو میرے محبوب ٹیک لگا کے اگر بیٹھے تھے تو سیدھے ہو گئے، کپڑا اگر کہیں معمولی سا بھی آگے پیچھے تھا تو آپ نے آپ کو کور کر لیا ہے۔ پوچھا گیا، محبوب یہ کیا؟ کہا، یار اس سے تو آسمان کے فرشتے شرماتے ہیں۔ اور یہ کیوں تھا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، حضرات ساری دنیا بیچ کے اگر یہ جملہ بایوگرافی میں، سیرت میں لکھ دوں، قیمت ادا نہیں ہوگی۔ کہا، جس دن میں قرآن نہ پڑھوں مجھے شرم آتی ہے کہ میں نے رب کے پیغام کو کھول کے پڑھ کے نہیں دیکھا۔ ایسے نہیں جامع القرآن،
ऐसे नहीं हाफिज़े कुरान, ऐसे नहीं, शर्म आती है और मुझे खोलते हुए शर्म आती है, मुझे साफ करते हुए शर्म आती है, हिफज करके कहीं दोहराते में भी शर्म आती है, मुझे गाड़ी में रखते हुए शर्म आती है, मुझे अपनी साइड टेबल पे रखते हुए शर्म आती है, मुझे अपने फ्रंट पॉकेट में रखते हुए शर्म आती है, हाथ में पकड़ते हुए कुरान शर्म आती है, किसी क्लासरूम में रखते हुए शर्म आती है, मुझे अपने ऑफिस में, मुझे अपनी अपने अपने सब कुछ रखा, तस्बीहों तक लोगों ने पकड़ ली, तस्बीह फिरी तो दिल ना फिरेया, मगर वो दिल क्या कहता है, मुझे हया आती है जिस दिन उस्मान तो रहमान का भेजा हुआ पैगाम और कुरान न पढ़े तो रब को किस मुंह से मिलेगा, रोते दाढ़ी भीग जाती, पूछा जिन्नू रैन है जन्नती है, मेरे महबूब के ही नहीं पूरी दुनिया में किसी नबी का कोई दोहरा दामाद हो यह सिर्फ आपको एजाज हासिल है, फिर रोते हो दाढ़ी भीग जाती है, कहा शर्म आती है कि कब्र में पहली रात अपने रब को कैसे मिलूंगा, हमारी शर्में उठ गई, बेबाकियां आ गई, नडर हो गए और फिर नतीजा है कि फहाशी में आवारा हो गए। नजरिया दुरुस्त कीजिए, और नजरिया सिर्फ किताब और सुन्नत, मैंने दुनिया भर की तहरीरें पढ़ डाली हैं, कोई मिसाला ज्यादा लगा देता है, कोई बिल्कुल कम कर देता है, कुछ घुटन वाले इन्ना जोर का घुट देने के बच्चे दी हड्डियां भी, और कुछ उत्ते पोला पोला ही बस कार्रवाई नहीं, इतदाल बड़ी चीज है बाबा अल्लाह के लिए। जब आपका नजरिया ठीक हो जाए तो सबसे पहले अपनी नजर को दुरुस्त करें, नजर की हया, जितने भी इस वक्त फतूर हैं वो या नजर से हैं, अगर बंदा देख सकता है, अगर नबीना है तो फहाशी फिसक फजूर उसमें भी होता है, फिर कान काम करते हैं या हाथों का लमस काम करता है, हवा से खमसा जो रब ने दी थी ये उन्हीं से है, जुबान का टेस्ट, कानों का टेस्ट, हाथ के लमस का टेस्ट, नजर का टेस्ट, लोगों ये सारे वो मजे हैं जो हम ले लेके बेबाक हो गए हैं। और नजर में दो जुमले बोले, जवानों को मर्दों को बोला कुल लिल मोमिनीना यगुद्दू मिन अबसारहिम, और औरतों को बोला कुल लिल मोमिनात यगुद्दना मिन अबसारहिन्ना, नजरों को झुकाओ, शर्म पैदा करो, हया पैदा करो, महबूब चेहरा खुला रहे, नहीं या अय्युहन नबियु आज का बड़ा समझदार पढ़ा लिखा बंदा और तबका कहता है, छोड़ो मौलवी साहब आज चेहरिया के पर्दों च भी कुछ नहीं रखा, आंखों में हया हो तो पर्दा दिल ही काफी है, निकाबों में भी होते हैं इशारे बेहयाई के, मोहतरम तेरा फलसफा तेरे घर, कायनात की सबसे पाकीजा बीबियों ने उस दौर के सबसे पाकीजा मर्दों से पर्दा किया था और महबूब ने करवाया था, और नहीं जी बाकी होगा चेहरे का नहीं है, तुझे कोरोना आए तो पूरे नाक से आंखों तलक और ये हिस्सा पूरी बॉडी ढांप डाले, पांच पांच छह छह फुट के फासले और सोशल डिस्टेंस, बिजली से रखवाते हो दूर रहिए करंट लगेगा, बच्चों को दवा से दूर, दवा को बच्चों की पहुंच से दूर रखिएगा नुकसान हो सकता है, तेजाब से बचाइएगा, खतरनाक आलात से बचाइएगा, एक्सरे रूम में नहीं लाइएगा, ये हो सकता है वो हो सकता है, और जनाब अगर वेल्डिंग हो रही है तो बच्चे को रोकिए मत देखे उसकी तरफ, नहीं तो नजर का एंगल और जाविया निगाह खराब हो सकता है, इतनी पाबंदियां लगा रहे हो। और अल्लाह महबूब को कह रहे हैं इनको कहो जिलबाब ले लें, चादरें ले लें, पर्दे कर लें, कहा जी मुंह की खैर है, मैंने कहा जरा मेरे साथ थोड़ा सफर तो करो, सैयदा उम्मे सलमा महबूब के पास बैठी हैं, पर्दे की बात हो रही है, और पूछा कि महबूब हम पर्दा जो करना है चादर कितनी बड़ी हो कितनी लंबी हो, आजकल तो माशाल्लाह पहले होते नहीं थे, अगर होते थे तो हमने चढ़ा चढ़ा के कोई थोड़े बहुत इबाहे भी घुटनों तलक ले आए थे, और बाजू चढ़ा के माशाल्लाह इधर ऊपर पहलवान जैसे जा रहा है,
मां जी ने पूछा, हम महबूब अपनी एड़ियों के आगे कपड़ा कितना लटकाएं? आपने कहा एक बलिश्त। ये एड़ी है मेरी, इस एड़ी से एक बलिश्त नीचे। उम्मुल मोमिनीन बोल पड़ी, पैगंबर की इज्जत गैरत और हया वाली जो अहले बैत की रिवायत को बयान करती है, उम्मे सलमा बोल पड़ी, कहने लगे महबूब एक गेट थोड़ा है, इनू बताओ, हवा आई तो अड्डी नंगी हो जानी है। महबूब ने कहा एक बलिश्त इतना नीचे कर लो, पीछे इतना पीछे कर ले। बोलिए क्या कहेंगे? वो एड़ी नहीं नंगे होने दे रहे और आप कहते हैं जी चेहरा, वो नहीं जी इसके दलायल है। होंगे तेरे पास दलायल, ये बड़े दलायल रखता है, जहां इसने जवाब पेश कर रहा होता है आराम को भी हलाल करके मेंट लगाता है। इसीलिए कहा इसको किसी और के पीछे नहीं, रहमान के पीछे लगाना, तेरी इज्जतों का मुहाफिज मैं हूं, शैतान तो तेरी इज्जतों को लूटना चाहता है। नजर में हया पैदा करके तेरी इज्जत को हया मिले, वकार मिले, कान की फहाशी और अयाशी जुबान की फहाशी से जुड़ी हुई है। जो आंख देखेगी, दिल को बोलेगी, दिल दिमाग से रब्ता करेगा, नजरिया ठीक हुआ रोक देगा, नजरिया खराब हुआ नजर तड़पा देगी, दिल को दिल मचलेगा, इट वांट्स मोर, ये मांगेगा, और जुबान को कहेगा बोल, कानों को कहेगा सुन, हाथों को कहेगा उठ, कदमों को कहेगा बढ़, पेट को कहेगा खा, शर्मगाह को कहेगा मौजा कर। इन सारी चीजों में हया जरूरी है, ये कॉम्बिनेशन है। गरीब का माल खाते हुए हया नहीं आएगी, पर्दा होगा। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, ये बड़े मीठे कोर में होते हैं, बहुत कुछ लगा होता है, भूख की भी इंतहा होती है, लंबा सफर करके गए होते हैं, मैयत का घर होता है, रब्बे काबा शाहिद है, कोई रोकने वाला नहीं होता, सारे इज्जत और प्रोटोकॉल से पेश कर रहे होते हैं, लेकिन लुकमा खाना तो बड़ी दूर की बात है, लुकमे की तरफ हाथ बढ़ाने को दिल नहीं करता। शर्म किसकी है? लोगों की, मुझे नहीं है। ऊपर कोई जात है कि जिसने रोका है? रोका है। मैं परसों एक घर में गया, मैं अभी तक उस कैफियत से नहीं निकल सका। 11 बच्चे हैं, कुछ पागल हैं, कुछ का जेन खराब है, मेंटली लेवल, बाप के ऊपर दरख्त गिरा है, कमर टूटी हुई है, चचा की हड्डियां टूटी हुई हैं, मां नहीफ है, पका के देने वाला कोई नहीं है, धोने वाला कोई नहीं है। गुर्बत अपने मंजर दिखा रही है, खुले आम नाच रही है। हजरात, मैंने पूछा ये हालत कैसे बनी? काम अच्छे खासे थे, खाते पीते थे, दादी अम्मा फौत हुई है, बिरादरी को खाना देने में 4 लाख लगा है और 40 दिन खाना देना पड़ा है। बिरादरी ने कहा खाया नहीं था, खिलाओ, और पास इतना भी नहीं था कि 2 टाइम की रोटी पके, लेकिन हमने 40 दिन बिरादरी को खिलाया है। और मैं, ये तो गमी है, मेरे महबूब कहते हैं जिनके घर में गमी है, यार उन्हें खाने पकाने की फिक्रें टेंशन है मत डालो, उनके मुसीबत आ चुकी है, खाना तैयार करो और उनको जाके खिलाओ, हम उन्हीं के पास जाके बैठ गए। मौलवी की रोटी भी लगी तो वहां से, कपड़े लगे तो वहां से, और खाते खुले तो वहीं से, इससे बड़े तौत और क्या होंगे? बेशर्मी की आखिरी इंतहा क्या होगी कि गरीब को 2 टाइम की रोटी मुयस्सर नहीं है और आप उसको शिकंजे में कस के कह रहे हैं कि लाओ? फिर रिश्वत को बुरा क्यों कहते हैं? फिर मिलावट को बुरा क्यों कहते हैं? यही तो है, पर्दे खत्म हो गए, हया खत्म हो गई, इज्जत चली गई, ना अल्लाह की हया, ना महबूब की हया, ना सुन्नत की हया, ना तौहीद की हया, ना कलमे की हया, हर तरफ बगावतें, बिदात, खराफात और रसूमात। लोगों, इसलिए गुजारिश करूंगा, मुझे नहीं कहना कि 14 फरवरी को वैलेंटाइन ये है, गलत है, वो है, हमें सब कुछ पता है, हम सब जानते हैं, लेकिन जब अपनी ख्वाहिश हो, पिछले फरवरी को मैंने अपने एक दोस्त से पूछा, सुनाओ किदां गुजरी? कहिंदा जी माशाल्लाह मैं फुल जिन्हें लाए सी सारे शार्ट पै गए। ये दुकानदार का बयान है,
मैंने अपने एक पढ़े लिखे साथी से पूछा, हाँ जी तुहाडे किन्ने, कहिंदा जी मैं 100 लाया सी, वह सारे ही निकल गए ना। पहुँच गए होंगे आप, मेरे से ज़्यादा तेज़ हैं, आपका वीएन, आपका सोसाइटी में सारा कुछ, इसी सोसाइटी में रहते हैं। मैंने अपने एक स्टूडेंट से पूछा, हाँ, कहिंदा जी माशाल्लाह इस दफ़ा 70 वैलेंटाइन बने ना। अगर मैं इस लफ्ज़ का पंजाबी में तर्जमा कर दूं तो आप कानों में उंगलियां ले लें, जानते हैं आप भी, मैं अकेला नहीं हूं। और अगर मेरे पैगंबर 4 जायज शादियों का कह देते हैं, सारे आंदे इत्थे बावा, क्या मर्द क्या औरत, वो कोई निकाह भी करे तो हमें होता है अच्छा, एक तेरी एक मेरी, दूजी तेरी दूजी मेरी, तीजी तेरी तीजी मेरी, वजीर आजम को आमिर लियाकत को साथ में मिला के दुनिया तक चले की है भाई, उन्होंने जैसा भी है औखे सौखे होके ब्याह तो किया ना, गलत सही अपनी जगह पे वहां पे जाने दीजिए। ये जितना सिफा चल रहा है, जिना चल रहा है, अवारगी चल रही है, याराने हैं, न्यू एयर नाइट्स हैं, ये जो कुछ चला जा रहा है कहां रुकेंगे जाके, कोई मोहल्ला बचा है जनाब, कोई घर बचा है? दावा है उनका, जिन्होंने मोबाइल बनाया उनका दावा है, मेरा नहीं। कहते हैं जिस जगह पे मोबाइल है नेट पहुंचता है, तो कुरान भी खोल तो हम सामने तुझे डिश में रख के कुछ और पेश कर रहे होते हैं, खोल कुरान, तो अल्लाह के घर में खोल, हम तुम्हें वहां भी गंदगी दे रहे होते हैं, इससे बढ़ के और क्या होगा। तो आइए अपनी नजरों में, जुबान में, लबो लहजे में, गुफ्तगू में, एहसास में, अकदार में, लिहाज में, मर्द को औरत का, औरत को मर्द का, बीवी को शौहर का, शौहर को बीवी का, छोटे को बड़े का, बड़े को छोटे का, उस्ताद को शागिर्द, शागिर्द को उस्ताद का, एक दूसरे का लिहाज और हया करेंगे। और ये तभी मुमकिन है जब अल्लाह का हया करेंगे। उन लोगों से वफा की तवक्को मत रखना जो रब को भूल सकते हैं, वो सब को भूल सकते हैं। आइए वापसी का सफर करें, कहीं ऐसे ना हो कि वो सजा मिले जिसके बारे में रसूल सल्लम ने कहा, वला फशत जिना फी कौम, जिस कौम में फहाशी आम हो जाए, फहाशी आम हो जाए, सरेआम होने लगे, 24 घंटे घरों में चलने लगे, हाथों में आने लगे और बाहर थिरकने लगे, क्या रह गया टिकटॉक के बाद और बाकी इस तरह की एप्स के बाद, कुछ बचा है मेरा और आपका? छुपा है वो तन्हाई की अदाएं जो एक शौहर के लिए भी नहीं निकलती, वो गैरों के लिए, और उस पर लाइक्स लेके रोटी रोजी खाने वाले हम लोग हैं, और फिर कहते हैं जी हम शरीफ लोग हैं, हम पाकिस्तानी कौम है, हमें बड़ा फख्र है, हम मोमिन है, हम मुस्लिम है। अच्छी बात है आप हैं, अल्लाह ऐसे ही करे, पर्दे रखें अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अपने हाथों से पर्दे चाक करके फरमाया हम उस कौम के मेदे पकड़ लेते हैं, इल्ला फशा फीहिम उत्ताउन वल औजाउल्लती लम तकुन मज़त फी असलाफिहिम अल्लदीना मदौ, हम ऐसी ऐसी बीमारियों की सीरियल शुरू करवा देते हैं, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, जिस्म फाड़ देते हैं, कैंसर डाल देते हैं, अजा फट जाते हैं, खून बहने लगते हैं, वो अमराज में मुबतला कर देते हैं कि जो तुम्हारे पिछलों ने, नस्लों ने, तारीख ने सुने भी नहीं थे। फार्मेसियां बढ़ गई हैं, 1122 के सर्विसेज बढ़ गई हैं, इमरजेंसीज बढ़ गई हैं, हर गली चौक में सबसे कामयाब कारोबार इस वक्त जो अगर कोई समझा जा रहा है बंद कोरोना हालात के अंदर भी, तो मेडिसिन को समझ लीजिए कि जिना बढ़ गया है तो सजा बढ़ गई है, पेट पकड़े गए हैं, मेदे जकड़े गए हैं, आजाए रईसा, जिगर, दीगर, नजरें, सब कुछ, अल्लाह से इज्तिमाई तौबा करके हया की तरफ वापस लौटेंगे, अल्लाह करम फरमाएगा। अकूल कौली हादा व आखिरु दा इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनुहू व नस्तगफिरुहू व नऊदु बिललाहि मिन शुरूरी अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله حاضرین مجلس صحابہ گرامی لفظوں کی تلخی لہجے کی تلخی اسے درد سمجھیے گا بے باکی نہیں मैं तलख लबो लहजा नहीं रखना चाहता। नंगे इतने हैं कवर करना मुश्किल हो गया है, गैरों तो क्या अपने बच्चों और बच्चियों को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया,
ये सब गोल ते कुछ ना फोल, जिस भी बाप को फोला है अंदर से रोता ही नजर आया, जिस माँ को पूछा है टूटे दिल के साथ है, जिस भी शौहर से पता किया है शर्मिंदगी से नजरें नहीं उठा पा रहा, और जिस भी बीवी से पूछा है उसका शौहर खराब है, तो उस ठीक कौन है? अगर सारे ही बेहया हो गए तो हयादार कौन है? बस हयादार वही है जिसके अल्लाह ने पर्दे रखे हुए हैं। सितर किया रब, अल्लाह पर्दे रखना, पर्दे में रखना, अल्लाह अपनी रहमत और करम से खुद बचाना, बचना बहुत मुश्किल हो गया है। इलाही आबरू रखना बड़ा नाजुक जमाना है। उस वक्त तो कहा जाता था ना कि दिलों में बुग्ज रखते हैं, बजाहिर दोस्ताना है, आज सब बराबर हो चुका है। इलाही आबरू रखना, अल्लाह मेरे घरों को, मेरे फूलों को, मेरी इज्जतों को, मेरी आबरू को, मेरे वकार को मजरूह होने से बचाना। पूरी दुनिया के तीर और निश्तर मेरी इज्जतों पे हैं, अल्लाह महफूज फरमाना। एक ऐलान है, आज रात नमाज ईशा के बाद मस्जिद यासीन दारुस्सलाम कॉलोनी में शर्म व हया के उनवान पे एक इस्लाही गुफ्तगू होगी। कारी अतारहमान राशिद साहब शेहूपुरी की अहबाब शिरकत फरमाएंगे। शहर भर में मुख्तलिफ जगहों पे इसी उनवान पे ये मौजूआत चल रहे हैं। ये अशरा बिलखसूस अलहया मिन अल ईमान के तहत जहाँ कुफर और जुर्म इतना फैल रहा है आयाशी और फहाशी को, आप भी अपने बच्चों की क्लासेस लें, बैठें, उनको समझाएं, बताएं कि बेटा ये फूल आपसे महंगे नहीं हैं, आपकी इज्जत से महंगे नहीं हैं। अपने आप को नीलाम मत करना, सस्ता मत करना। अल्लाह हमारी इज्जत का मुहाफिज हो, मेरे कलमे का मुहाफिज हो, मेरी दीन और दुनिया का मुहाफिज हो, बीमारों को शिफा दे, अल्लाह दुखियों के दुख दूर करे। अकूल कौली हादा व आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।